दिल्ली के हिंदी भवन के मुख्य सभागार में कविवर ब्रज शुक्ल घायल स्मृति समारोह के उपलक्ष्य में और कवि डॉ. प्रवीण शुक्ल के जन्मदिन के अवसर पर साहित्य प्रेमी मंडल द्वारा आयोजित पंचरत्न कवि सम्मेलन में बीटी स्कूल बदरवास के विलक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थी उमंग सोनारे को उत्कृष्ट कविता पाठ के लिए सम्मानित किया गया। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता में डॉ. हरिओम पवार और विशिष्ट अतिथि के रूप में पद्मश्री अशोक चक्रधर, संतोष यादव, मंगल नसीम, डॉ. कीर्ति काले, कवि दिनेश रघुवंशी, कवि चिराग जैन, मोटिवेशनल गुरु गुलशन जग्गा, गोविंद राठी, प्रवीण पांडे, राजेश अग्रवाल, मोहित शौर्य, प्रियंका रॉय, कॉमेडियन विभोर चौधरी, शायर राज कौशिक, वंडर किड्स गुरु सतीश शर्मा सहित 200 से अधिक कवि, लेखक एवं कला जगत के नामी सितारे उपस्थित रहे। पिछले दिनों बीटी स्कूल के विद्यार्थी उमंग द्वारा भीष्म प्रतिज्ञा कविता पढ़ते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो दिल्ली के कवि डॉ. प्रवीण शुक्ल का तक पहुंचा, जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा कविता लिखी है। डॉ. शुक्ल ने स्कूल संचालक घनश्याम शर्मा को कॉल करके विद्यार्थी उमंग सोनारे को इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उमंग की शानदार प्रस्तुति ने उपस्थित जनसमूह का दिल जीत लिया और सभी ने खड़ी होकर तालियां बजाकर विद्यार्थी को आशीर्वाद दिया। साहित्य प्रेमी मंडल द्वारा उमंग को एक शील्ड एवं 11,000 रूपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर उमंग के साथ स्कूल संचालक घनश्याम शर्मा, वंडर किड्स गुरु सतीश शर्मा एवं उसके पिता उमेश सोनारे भी इन गौरवशाली क्षणों के साक्षी बने। और सही बात है, ट्रेनिंग से बढ़िया पड़ी है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने जन्मदिन पर आपको मुझे बहुत सारे उपहार देते ही हैं अपने आशीषों के रूप में, तो मैं आपको क्या उपहार दे सकता। 3 दिन पहले मैं बंगाल जा रहा था एक कवि सम्मेलन में, तो अचानक चिराग जैन ने अपने फोन में एक वीडियो ऑन की। उन्होंने कहा कि भैया इसे देखना जरा। तो मैंने वो वीडियो देखी, तो वो वीडियो इस उमंग सोनारे की थी। मैंने चलती हुई गाड़ी से ही इनके प्रधानाचार्य जी को फोन किया और आग्रह किया कि मैं चाहूंगा कि आप इस बच्चे को लेकर आइएगा, हम हिंदी भवन में उसको बुलवाना चाहते हैं और उसकी उसकी कविताएं आपको सुनाना चाहते हैं। मेरी एक बड़ी लोकप्रिय कविता हुई भीष्म प्रतिज्ञा, पूरी दुनिया में मैंने सुनाई है। तो इस बच्चे की इससे सुनकर तो मैं तो खुद ही आश्चर्यचकित हो गया। तो मैं चाहूंगा कि उमंग सोनारे आए और उस कविता के पाठ से इस समारोह का हम शुभारंभ करेंगे। परम आदरणीय कविवर श्री ब्रज शुक्ल घायल जी की पुण्य स्मृति एवं आदरणीय डॉक्टर श्री प्रवीण शुक्ल जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम सभी देश की राजधानी दिल्ली के हिंदी भवन सभागार में उपस्थित आदरणीय सम्मानीय वंदनीय अतिथियों एवं विद्वत जनों को सादर प्रणाम मैं करता हूँ। मेरा नाम उमंग सोनारे है और मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ और मैं शिवपुरी जिले के बदरवास शहर के एक बीटी पब्लिक स्कूल से आया हूँ। मेरे स्कूल के संचालक मिस्टर घनश्याम शर्मा भी यहाँ उपस्थित हैं और मेरे पापा भी यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्राप्त हो रहा है। आज डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी का जन्मदिन है, तो मैं सबसे पहले उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं यहाँ इस पंचरत्न कवि सम्मेलन में एक उनकी ही द्वारा गाई गई एक कविता आपको सामने प्रस्तुत करूँगा, जिसका शीर्षक है भीष्म प्रतिज्ञा। मैंने कविता 2-3 महीने पहले